बोलते हैं कि अपराध मुक्त बिहार को बनाएंगे और अपराधियों को पकड़ना तो दूर, बोलते हैं कि गोली का जवाब गोली से देंगे, गोली तो दूर, एक डंडा भी अपराधियों पर नहीं चलता, इस पर आपका क्या कहना है? अब भैया हम उनके प्रवक्ता तो है नहीं ना, या हम उनके ज्योतिष तो है नहीं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, बेटा पेशाब खड़े कर रहा था, बाप तीन महला पे से कर रहा था। पप्पू जी अब मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग परेशान आत्मा है बिहार सरकार नेता। जब नेताओं की इच्छा शक्ति मर गई हो और अपराधी जमीन माफिया के बारे में नहीं पता है? अब बालू माफिया का सभी कलेक्टर एसपी या डीएसपी का पैसा इन्वॉल्व है, गाजा माफिया में, छपड़ा में, बालू माफिया में, फोकलैंड है वाह, ये किसका है? ये मुजफ्फरपुर के जमीनों में किसकी हाथ है? सारे पदाधिकारी नेता जमीन की दलाली करते हैं सीमान में सब। चुनाव लड़ेंगे, ये गोली चुनाव लड़ेंगे वही जो गोली चलाता है, जो मारता है, जो मरवाता है, जो बलात्कारी है, चुनाव लड़ेगा वही है, गोली चलाएंगे ये। समय पास कर ले बेचारा, बेचारा है, अच्छे पदाधिकारी थे, अब तो इनको रिजल्ट जनता देगी कि कितना वो अच्छे हैं कितना खराब है। हम तो किन्हीं को खराब अच्छा कहेंगे नहीं, लेकिन जब सरकार को ही अपराधी जमीन माफिया, गांजा माफिया, शराब माफिया चलाएगा, 25,000 करोड़ का शराब के चलते रेवेन्यू समाप्त हुआ और बिहार का पैसा पैरेलल रेवेन्यू चल रहा है बिहार में, पैरेलल कितना घाटा है शराब के चलते आप सोचिए ना, पैरेलल रेवेन्यू है शराब माफिया और शराब बेचने वाले के द्वारा, मतलब 25,000 करोड़ रुपए का घाटा है बिहार का, इतना बड़ा पैरेलल। अब वो बात कर रहे हैं सर, आप सिवान पहुंचे हैं।